नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इग्नू के री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2021 के लिए। दोस्तों जी हाँ, री रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट कर दिया गया है, उसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे इस जुलाई 2021 के री रजिस्ट्रेशन के लिए वो पूरी डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद फिर कैसे आपको रजिस्टर्ड करना है समर्थ पोर्टल पर, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें बताने वाला। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस इग्नू से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल हैं इसमें जो है री रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्या क्या होता है री रजिस्ट्रेशन, कैसे करना होता है। मैं सारी चीज़ें पहले समझा दूँ, उसके बाद फिर आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कैसे आपको कौन कौन, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं री रजिस्ट्रेशन और री एडमिशन को लेके। तो सबसे छोटी सी पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, री एडमिशन जो होता है वो वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए होता है, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है उसको ख़त्म हो जाने के बाद उसको एक्सटेंड करने के लिए होगा, हालांकि इग्नू उसको बंद कर चुकी है। री रजिस्ट्रेशन होता है इग्नू में, बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं कि री रजिस्ट्रेशन पहले ही स्टार्ट हो जाता है एग्ज़ाम से पहले ही, इसको करवाना कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैं बता दे रहा हूँ इसको करवाना कंपलसरी होता, नहीं तो आपका 6 मंथ 1 ईयर का लॉस होता है इसमें। तो एग्ज़ाम से पहले ही सेकेंड ईयर, सेकेंड थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर या सेकेंड फोर्थ थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर में करना कंपलसरी होता है, ताकि स्टूडेंट का जो है गैप ना हो, सेशन चेंज ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2021 का स्टार्ट कर दिया गया ऑफिशियली जो है इग्नू की और फेसबुक पेज ट्विटर हैंडल पे इसको अनाउंस कर दिया गया है। अभी पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा, पहले आप समझ लीजिए फिर आपको दिखा दूंगा मैं आगे, ठीक है। तो मास्टर बैचलर और सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम्स के लिए शुरू हुआ है, तो वो पहले बैचलर के लिए बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने रीर अपना फ्रेश एडमिशन, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन्होंने फ्रेश एडमिशन जुलाई 2020 का एडमिशन चला था 31 दिसंबर 2020 तक चला था, तो अब वो वाले स्टूडेंट और इससे पहले अगर इन्होंने री रजिस्ट्रेशन करना भूल गए हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में वो, या और फिर जुलाई 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं बैचलर ईयरली प्रोग्राम्स में। जो इन्होंने एडमिशन लिया है वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जिनका रह गया है या फिर किसी कारणवश नहीं करवा पाए, भूल गए हैं या छूट गया, जो भी है सब करवा सकते हैं। जुलाई 2020 में फ्रेश एडमिशन या उससे पहले आपने एडमिशन लिया है, आपका रह गया है, तो सभी स्टूडेंट अभी इसमें री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। सेम मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जुलाई 2020 में एडमिशन लिया, जुलाई 2020 का एडमिशन 31 दिसंबर 2020 तक चला था, तो इस बीच अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है या उससे पहले लिया हुआ रह गया है, तो वो स्टूडेंट अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकता है फाइनल ईयर में, जिसको 2 ही साल का होता है मास्टर फाइनल ईयर, जिसको सेकेंड ईयर बोलते हैं आप, तो उसमें आप री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में बैचलर और मास्टर दोनों में सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं इग्नू से। तो जिन्होंने अभी, अब ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, अभी जिन्होंने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया, अभी क्योंकि 31 अप्रैल तक जो है 30 अप्रैल तक फ्रेश एडमिशन चला है, उसमें अगर आपने उस, क्योंकि अभी जो चल रहा था उसमें 1 महीने पहले ही जो है सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था। केवल सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी 2021 में जिन्होंने सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन लिया, BCA MCA जो है या फिर आपका हो गया MBA हो गया, और भी जो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम्स हैं MTTM वगैरह जिन्होंने लिया है, तो वो अपना री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में, और उससे पहले अगर एडमिशन लिया है तो उनका 6th सेमेस्टर हो सकता है, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर हो सकता है। वैसे सेम बैचलर के लिए जनवरी 2021 में फ्रेश एडमिशन लिया है तो सेकेंड सेमेस्टर में करवाएंगे, उससे पहले अगर आपने एडमिशन लिया है रह गया है कुछ छूट गया है तो आप 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में करवा सकते हैं, बैचलर है तो 3rd 4th 5th 6th सेमेस्टर तक भी हो सकता है, ठीक है। तो आप, बहुत ही सिंपल है इसमें। तो अभी जनवरी 2021 में जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया है सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में, उनके लिए भी कंपलसरी है, उसके पहले जिन्होंने एडमिशन लिया है रह गया है किसी कारण छूट गया तो वो करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। समरी
कैटेगरी में दे देता हूँ एक बार। बैचलर के लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल है जिन्होंने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया, जिसका एडमिशन 31 दिसंबर तक चला था ड्यू टू कोविड-19। तो वो सारे स्टूडेंट उस रहेंगे एलिजिबल, और उससे पहले अगर आपका रह गया, छूट गया है, अगर किसी कारण मिस हो गया है, तो आप करवा सकते हैं जनवरी 2021 में एडमिशन री रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए। और उसे सेम बैचलर के लिए है, वो सेम बैचलर के लिए सेम ऐसे ही करेंगे, और आपका सेमेस्टर वाइज है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बातें हो गई। अब अभी ऑफिशियली अनाउंस किया गया है ट्विटर हैंडल पे, अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, द री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2021 साइकिल हैज़ बीन ओपेंड ऑन सामर्थ पोर्टल, इतना। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, लास्ट डेट ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट डेट पूछते हैं, लास्ट डेट 15 जून रखी गई है, 15 जून 2021। विदाउट लेट किए हुए अपना री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। पोर्टल पे अभी अपडेट के लिए ये गया हुआ है, पोर्टल पे अभी अपडेट नहीं है, ओल्ड ही दिखा रहा है। और पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, बट अभी यहाँ पे दोनों जगह पे फेसबुक पेज पे और यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे इसको अपडेट कर दिया गया है, सभी रीजनल सेंटर को ईमेल भी कर दिया गया है, तो वो जल्द ही इसको अपडेट कर देंगे और ये पोर्टल पे भी जल्द ही अपडेट हो जाएगा, जिसमें अभी वीडियो में बना रहा हूँ यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, अपडेट हो जाएगा, मैं अपना कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, आज से ये शुरू हो जाएगा। और इस समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, होम पेज पे रजिस्टर ऑनलाइन पे जाएंगे, यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, इस पे नीचे जाके यहाँ पे आई हैव रीड करके प्रोसीड करेंगे तो ये वाला पेज आएगा। अब इस पेज में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे जो नए स्टूडेंट हैं, यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी सेकेंड ईयर या किया हुआ है तो सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन, और थर्ड ईयर के लिए यहाँ से आराम से लॉगिन करके कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोग्राम पूछेगा, एनरोलमेंट नंबर पूछेगा, ठीक है, कैप्चा कोड डालेंगे, एक ओटीपी आएगा, उसको डाल के अपना पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, 3-4 स्टेप में हो जाता है, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो उस पर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, जिन्होंने जिनका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर लॉगिन रहेगा, यूजर नेम, पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे, यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लोगे, पेज ऐसे ओपन होगा, यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे दिखा रहा है जनवरी 2021 के लिए दिखा रहा है, क्योंकि ये जुलाई 2021 का है, तो अभी ये अपडेट हो जाएगा, अभी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो आप इसको रिफ्रेश करते रहेंगे, जैसे भी ये अपडेट हो जाएगा मैं आपको कम्युनिटी टैब में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और ये समझ लीजिएगा आज से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अलर्ट रहिए, अब ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, क्योंकि उनसे मिस हो जाता है और उनका 6 ईयर का गैप भी हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम आगे फिर क्रिएट होती है इसको लेके। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखा करिए आप लोग, बाद में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनको से मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मेरा मैं कब करूँगा, तो आप इतना जब आप लिखते हैं तो एक ये भी लिखिएगा कि आपने फ्रेश एडमिशन कब लिया है, तो ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपका री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा मेंशन करेंगे तो आप मैं क्लियरली आप लोगों को कमेंट टैब में जवाब दे पाऊँगा, ठीक है। तो अभी ये देखिए जनवरी 2021 सेशन के लिए एलिजिबल है, यहाँ पर क्लिक करना होता है, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक करके री रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं इसमें, उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई सवाल और है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।